अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे, अल्लाह पाक आप लोगों को अच्छा रखे। हम भी अच्छे हैं, मज़े में। और हम जा रहे थे ऊपर, बारिश हो रही थी, बहुत गर्मी थी, डॉक्टर साहब थे और ऊपर वो भी गए थे देखने कि मौसम कैसा है, अच्छा है, बारिश हो रही थी। बारिश में ज़्यादातर अच्छा लगता है, तो इसलिए छत पर हम लोग आए हुए थे। तो बारिश हो रही, हल्की हल्की हुई थी, मेरा कल का कपड़ा डला हुआ है, अभी उसको भी उतारना है। और मौसम देखिए, बादल, हवाएं, हवा तो बहुत नहीं है, पर यह है कि बारिश हो गई तो अच्छा लग रहा, काफ़ी राहत हो गई पहले से। और बादल देखिए, बादल, और इस वक्त जो है हरी हरी हरियाली बहुत अच्छी खूबसूरत लग रही है, पेड़ों में जो हरे हरे बिल्कुल पेड़ हो गए हैं ताज़े ताज़े, इसलिए इस। और बादल बहुत खूबसूरत अच्छे लग रहे हैं, माशाल्लाह। देखिए हल्की हल्की हवाएं चल रही है और फुहार की हल्की हल्की पड़ी रही है, तो बारिश होने से सारे माहौल को अच्छा हो गया। बहुत गर्मी थी जिसकी वजह से बहुत परेशानी थी। और नीम की निमकौड़ी जो है देखिए पक गई हुई है, पीछे एरिया का जो मोहल्ला है वो देखें बहुत अच्छा प्यारा लग रहा है, मौलाना का घर है, पेड़ सब हरे हरे बिल्कुल दूर से नज़र आते हैं। बारिश में तो वैसे भी हर जगह खूबसूरत नज़ारा बन जाता है, तो कपड़े सब टंगे हुए हैं, अब उतार कर ले जाएंगे नीचे। और पानी अभी नहीं डाला था गमले में, और कपड़ा जाएगा नीचे तो धोबी आएगा, उसको फ़ोन करेंगे तो आएगा, तो कपड़ा ले जाएगा प्रेस का। और ये मेरी बहन की छत है, उनके यहाँ पेंट हो रहा है, तो उनका पेड़ सब मेज सब फैला हुआ है, मेरी बहन के घर पेंट हो रहा है। अभी छत का दरवाज़ा सब बंद है, पेड़ है, सामान रखे हुए हैं। और मोहल्ला है हमारा, ये डॉक्टर साहब का घर है और सामने घर है, सब बारिश हो रही है। देखो बारिश में जो है टहल, छत पर टहलना देखना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम भी आए हैं कि आप लोगों को भी दिखा दें, आप लोगों से शेयर करें। मस्जिद दिख रही है, हरे हरे पेड़, और मकानों के कलर देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, प्यारे है ना, बहुत प्यारे लग रहे हैं। पेड़ जो है इस वक्त बिल्कुल हरे हरे और भी प्यारे लगे। दो बैठ का रूम है ये, ऊपर से हम लिए थे बाजे पड़ते हैं, तो हम अब नीचे की तरफ चलते हैं। अगर नीचे सारे कपड़े धो के दिए जाएंगे, जासमीन यासमीन दोनों लोग जा चुकी हैं बर्तन धुलकर। और बाहर वाले रूम में हम बाहर आए थे, बाहर का देख रहे थे, यहाँ बारिश से सब भीगा हुआ पड़ा है मौसम, सब जमीन। फिर आ गए अंदर नाश्ता बनाने, तो ये देखें बिल्कुल देसी परवल, डॉक्टर साहब को बहुत पसंद है, तो देसी परवल की जो भुजिया होती है बारीक बारीक काट कर बहुत अच्छी बनती है, बड़ी प्यारी होती है वो बनने के बाद, तो हमने उसको धुल कर काट लिया है, बारीक बारीक काटेंगे अभी दे देंगे, बहू भूनेंगी, भून रही हैं भुजिया, नाश्ते की तैयारी बन रही है। नाश्ता जब बन जाएगा तो नाश्ता करेंगे हम लोग, तो अभी तो आटा भी गूंदना है, अभी सब्जी जब भून कर रख लेंगी तो आटा गूंदेंगी, तो मिर्ची प्याज कट कर डलती है वही वाली बन गई है, धनिया काटी जाएगी, जब धनिया पक जाएगी तो धनिया डलेगी तो ये बहुत अच्छी होगी खाने में, प्यारी। और आ गई हैं उबैद की फूफी यहाँ पर हमारे यहाँ, तो आलू भूल गए थे, आलू डाला जा रहा है उसमें, क्योंकि अदनान के अब्बू को बहुत पसंद है आलू, उनको हर सब्जी में आलू डलवाते हैं, तो आलू डाल दिया गया, छील दिया, दे दिया छील कर, काट कर डाल रही हैं। हम आ गए थे, उनकी फूफी आ गई थी उनसे मिलने के लिए, तो बाज़ार गए थे, उनके अब्बू अंडा ले आए थे, तो अंडा धुल कर रखा हुआ अब जाएगा फ्रिज में रखा जाएगा। सारा आई हैं, बैठी हैं, सारा चिटिक रही हैं, उनका मन अच्छा नहीं लग रहा, बहुत गुस्सा कर रही हैं आज। और उनकी पप्पी भी बाहर बैठी हैं, अब ठंडा है, और उनके अब्बू भी बैठे हुए थे, तो बस आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिए, अल्लाह पाक आप सबकी दुआएं कबूल करे।
अल्लाह पाक आप सबके ऊपर रहम करम करे, अपनी रहमत बनाए रखे और हम सबको भी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह ताला सबकी मुश्किल को आसान करे। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं और अगली वीडियो में फिर लेकर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।